इनके बाप का है क्या इंडस्ट्री? हाँ, इनके बाप का इंडस्ट्री है क्या? वापस उसको क्या सुशांत सिंह राजपूत जैसा किसी को बनाना चाहते हैं क्या? नहीं होएगा अभी, अब इनके पिछवाड़े में झाड़ू लाल के मोर बनाएंगे। हाँ हाँ, अभी नहीं होएगा, अभी इन लोग को सबको जो नए नए ना उनको चांस मिलना मांगता है। हाँ, वो हाफ बिरयानी है। सलमान ने ना बहुत इज्जत दिया बिग बॉस में, बहुत इज्जत दिया। मेरे सीधी मेरी बात ये होती है कि मेरे को इज्जत दो, इज्जत मिलेगी। बस उसने मुझे वहाँ पे इज्जत दिया, वो दिल में अपने बहुत अच्छा है। मगर ये राधे मेरे को पसंद नहीं आया, एकदम बकवास है, ज़रा भी पसंद नहीं आया, एकदम बकवास पिक्चर है। मैं मेरा कभी ना दो ढाई घंटा ऐसा मैं पुकट नहीं कहलाता है पिक्चर के पीछे, पर मैं उसका इसके लिए देखा, मगर एकदम बकवास है। उसमें मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी काम किया है उसमें। क्या कमी नजर आई? अच्छा नहीं लगा, बस खत्म। मगर ये राधे मेरे को पसंद नहीं आया, एकदम बकवास है, जरा भी पसंद नहीं आया, एकदम बकवास पिक्चर है। मैं मेरा कभी ना दो ढाई घंटा ऐसा मैं पुकट नहीं कहलाता पिक्चर के पीछे। डरती थी, एकता कबूतर नहीं है जो इससे फीमेल लुक डरेगा, समझा? तो इसीलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने कहा ना, जब आपके आसपास अच्छे लोग रहते हैं ना, जैसे आज भाव है, योगेश जी है, सब परिवार फ्रेंड्स लोग हैं, तो फिर आपको ऑलरेडी एक मोटिवेशन मिल ही जाता है। और इनकी स्टोरी खुद हमारे लिए एक मोटिवेशन स्टोरी है, सो हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो एकता का कोई बात की है तो बाला जी, एकता कबूतर बोला मैं। अच्छा, नहीं मैं वो ये कह रहा हूं कि आप फीमेल हैं, कबूतर बोल उसको। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एकता कपूर काफी कबूतर, मैं फिर कंट्रोवर्सी करेंगे तुम लोग, मैं एकता कबूतर बोला है मैं। हां देखो इसको पूछ लेता हूं, उसकी भी बजाएगा। तो एक एक और किसको आप इंस्पिरेशन मांगते हैं प्रोड्यूसर? कुछ नहीं, वो उससे लड़कियां डरती है मालूम है तुम्हारे को, एकता कबूतर से। वो पैसा देती नहीं, इतने बेचारे प्रोडक्शन में है, उनको पैसा नहीं दिया उसने, समझा? तो ऐसे कबूतर बिबूतर अपने को बगले बिगले नहीं चाहिए इधर। और बिग बॉस के बाद आपने दो गाने भी किए थे, कुछ अभी कोई नया प्रोजेक्ट आ पा रहे हैं? कर रहे हैं ना, अभी दो वेब सीरीज करके आया मैं, समझा? अभी और दो वेब सीरीज कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी हम साथ में भी बिल्कुल करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? अभी उम्मीद से हम आगे बढ़ेंगे, एक नई उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। बिल्कुल, इसी बात पे ताली हो जाए, टेंशन नहीं लेने का। हाँ, अल्ताफ टाइप होएगा, सब अच्छा होएगा। जैसे अभी वो कार्तिक आर्य, हाँ, उसको वो धर्मेंद्र, कौन सा प्रोडक्शन है वो, धर्मा प्रोडक्शन, हाँ, में उसे ये कर दिया है, बायकॉट कर दिया उसको। इनके बाप का है क्या इंडस्ट्री? हाँ, इनके बाप का इंडस्ट्री है क्या? वापस उसको क्या सुशांत सिंह राजपूत जैसा किसी को बनाना चाहते हैं क्या? नहीं होएगा अभी, अब इनके पिछवाड़े में झाड़ू लाल के मोर बनाएंगे। हाँ हाँ, अभी नहीं होएगा, अभी इन लोग को सबको जो नए नए ना उनको चांस मिलना मांगता है। बहुत जरूरी है। वो हाफ बिरयानी है ना, वो उसका भी पिक्चर नहीं लगने देगा। मैं न्यूज चैनल के थ्रू मैं बताना चाहता है, आज जितने भी ये शूटिंग बंद है उसके बाद जो वर्कर या हर कोई जो घर पे बैठा है ना, उनके खाने के वांदे हो गए। ये जितने बड़े बड़े है ना अपने महलों में बैठे, हाँ, जिन्होंने जिनको इन्होंने बनाया, आज उनको उनको राशन तक कोई नहीं पूछ रहा है, समझा? तो इन लोग जा रहे हैं मालवीस, इन लोग जा रहे हैं दुबई, इधर घूमने जा रहे हैं, मगर वो प्रोडक्शन हाउस में जो काम करते हैं ना, उनके हाथ के नीचे कोई नहीं दिख रहा, उनका खाने का वांदा है। मैंने 2000 लोगों को मैंने पूछा है राशन, समझा? इन लोग किधर है? तुम लोग बोलता है तुम महानायक किसान आंदोलन और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ लोगों ने उनसे सवाल पूछा महानायक को, महानायक क्या बोलता है? जिनके औकात नहीं वो मुझे सवाल करते हैं, क्या सवाल किया रे? हाँ, औकात निकालेगा 25-50 रुपया टिकट निकाल के, जब तुम्हारे को तुम्हारा पिक्चर देखा इसके लिए तुम महानायक बना, तुम उनकी उनकी औकात निकालेगा क्या? हाँ, लोगों की इनको चर्बी आया है इंडस्ट्री में सबको, इनको कदर नहीं है लोगों की, इनको कदर नहीं अपने फैंस की, क्या तुम लोग मैसेज देता है लोगों तक? हाँ, वो एकता कपूर ने वेब सीरीज बनाया था, क्या मैसेज दिया उसने वेब सीरीज में? कोई नहीं बोलता है उसके बारे में, फट्टी है क्या बोलने को? क्यों फट्टी है? मेरे काफ़ी ना इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर लोग हैं, मैं उनको बोला तुम लोग बोलो ना, बोलता है भाऊ हम अगर बोलेगा तो हमारे को काम नहीं मिलेगा इंडस्ट्री में, या ऐसे लोग हैं। सही बात
ऐसे लोगों के बारे में तुम लोग भी बोलो, जाके पूछो इनके घर के बाहर कि क्या कर रहे तुम लोग ये, समझा? सिर्फ सवाल पूछने से अच्छा ना उनको भी सवाल पूछो। इनको छींक आती है ना तो पूछ जाते, मगर वो देखो प्रोडक्शन हाउस में काम करने वाले लोग जो आज भूखे मर रहे हैं ना, उनके भी घर पे जाके पूछो कितने लोगों का तो मेहनत का पगार नहीं दिया अभी तक इन लोग ने, ऐसा है तो जाके उधर भी पूछो। फिर चलो, अभी पहला तो इनको बहुत सारा ना शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों को ना आज मौका मिला है आगे बढ़ने का। और बाकी जितने भी जो पुराने थे जो वर्कर काम करते थे उनके पेट पे लात मारा इन्होंने, जैसा चल रहा है ना मेरे चाचा को लेगा, मेरे भतीजे को लेगा, ये सबको बंद करवाना है। पर अब ये जो नए है ना, डायरेक्टर हो गया वापिस से, जितने भी कलाकार है जो आज ना गली कुची में जाके ढूंढो उनको, अच्छे से अच्छे कलाकार है, तो ये जितने जो पुराने हो गए ना जिनको आप लोग सुपरस्टार बोलते हैं, इनको भगाने का भी और ये नए लोगों को चांस देने का है, क्योंकि ना ये फिर से कोई सुशांत सिंह राजपूत नहीं होना चाहिए, समझा? तो मेरा पूरा सपोर्ट है इन लोगों को। भाऊ पहले भी किसके दम पे नहीं था ना किसके दम पे आज भी है, भाऊ खुद के जिगर पे बना है, समझा? और मैं किसी का वो बोलते ना वो झेलना अपने को नहीं आता है, जो करूँगा खुद के दम पे करूँगा और अब तक करते आया हो, समझा? आपने देखा होगा बड़े बड़े ये फिल्म स्टारों की बजा के रखा है मैंने, उनके फिल्म नहीं लगने दे रहा हूँ, इतना करने के बावजूद भी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ मैं, हाँ तो ये करते रहूँगा और आवाज़ उठाते रहूँगा। अभी पहला तो इनको बहुत सारा ना शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों को ना आज मौका मिला है आगे बढ़ने का। और बाकी जितने भी जो पुराने थे जो वर्कर काम करते थे उनके पेट पे लात मारा इन्होंने, जैसा चल रहा है ना मेरे चाचा को लेगा, मेरे भतीजे को लेगा, ये सबको बंद करवाना है। पर अब ये जो नए है ना, डायरेक्टर हो गया वापिस से, जितने भी कलाकार है जो आज ना गली कुची में जाके ढूंढो उनको, अच्छे से अच्छे कलाकार है, तो ये जितने जो पुराने हो गए ना जिनको आप लोग सुपरस्टार बोलते हैं, इनको भगाने का भी और ये नए लोगों को चांस देने का है, क्योंकि ना ये फिर से कोई सुशांत सिंह राजपूत नहीं होना चाहिए, समझा? तो मेरा पूरा सपोर्ट है इन लोगों को। भाऊ पहले भी किसके दम पे नहीं था ना किसके दम पे आज भी है, भाऊ खुद के जिगर पे बना है, समझा? और मैं किसी का वो बोलते ना वो झेलना अपने को नहीं आता है, जो करूँगा खुद के दम पे करूँगा और अब तक करते आया हो, समझा? आपने देखा होगा बड़े बड़े ये फिल्म स्टारों की बजा के रखा है मैंने, उनके फिल्म नहीं लगने दे रहा हूँ, इतना करने के बावजूद भी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ मैं, हाँ तो ये करते रहूँगा और आवाज़ उठाते रहूँगा।